छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां ग्राम ढोडिया में डंपर चालक की लापरवाही से दो युवकों को उसने चपेट में ले लिया, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने डंपर की जमकर तोड़फोड़ कर दी और पुलिस ने बताया कि युवकों को गौ तस्करी की जानकारी मिली थी, जिसकी जांच करने के लिए युवकों ने डंपर को रोका, लेकिन डंपर चालक भागने के चक्कर में जो है तेज गति से आगे बढ़ा और दोनों को कुचल दिया, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई। और घटना से गुस्सा है लोगों ने थाने का घेराव किया, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद सभी शांत हो गए। पुलिस की नाम सुन करके उन्होंने सामने दो लड़के, तब तक गाड़ी रुकी थी इसलिए खड़े हो गए, सामने दो लड़के खड़े थे, फिर भी उन्होंने पुलिस का नाम सुनते ही गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए, जो गाड़ी में बैठा था सुजीत ठाकुर, उसने चालक नाबालिग को बोला आगे बढ़ाओ गाड़ी, बाद में देखते हैं, तो वो गाड़ी आगे बढ़ा दिया। इस दौरान दो लोग चपेट में आ गए, जिसमें से संदीप साहू का मौके पर ही उनके बताए अनुसार मौत हो गया था, और एक लड़का जो सोनू मंडावी है वो घायल हुआ था।